गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और गर्मियों का सीज़न है, खुले बाल रखना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं लाई हूँ बहुत ही सिंपल सी हेयर स्टाइल्स जिसमें आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी लगेंगे। सबसे पहले हम बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे। बाल टेंगल फ्री होने चाहिए क्योंकि टेंगल फ्री बालों में ही एक अच्छी हेयर स्टाइल बन पाती है और फिनिशिंग आती है। अब मैं बालों को एक साइड ले लूँगी, जिस साइड भी आप मांग लेते हैं, मांग निकालते हैं, उस साइड आप बालों को ले सकते हैं। अच्छे से कॉम्ब करने के बाद अब बालों को हम दो इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। दोनों सेक्शन से एक एक पार्ट ले लेंगे। देखिए ये पार्ट लिया है, उसको पहले सेक्शन से पार्ट लेके दूसरे सेक्शन में ऐड करेंगे। अब दूसरे सेक्शन से एक पार्ट लेके, एक लट लेके हम पहले वाले सेक्शन में ऐड करेंगे। जो लट लेनी है वो पतली लीजिएगा, मैं मोटी ले रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। पहले सेक्शन से लट लेके हम दूसरे सेक्शन में ऐड करेंगे और दूसरे सेक्शन से एक लट लेके हम पहले सेक्शन में ऐड करेंगे। यही प्रोसेस हमें पूरे ब्रेड में यूज़ करनी है, यही प्रोसेस रिपीट करनी है। बालों की जितनी लेंथ हो उतना लंबा आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। बहुत इजी है और सारी ड्रेसेस जैसे कि कुर्ती हुई, वेस्टर्न ड्रेसेस हुई, सूट हुई, सबके साथ बहुत सूट करती है। आप दो तीन बार ट्राई करेंगे तो ये हेयर स्टाइल बनाने में आपको एक मिनट भी नहीं लगेगा। देखिए कैसे इजीली ये पूरी हेयर स्टाइल बन रही है। एंड में जितना बाल आप छोड़ना चाहें वहाँ तक आप ब्रेड कर सकते हैं और बाकी के जो बाल बचते हैं उनको आप किसी भी रबड़ से, किसी भी बैंड से सिक्योर कर सकते हैं। अब कॉर्नर से थोड़ा सा इस ब्रेड को फैला लीजिए जिससे बाल घने लगेंगे, चोटी बहुत ज़्यादा घनी लगेगी, मोटे बाल नज़र आएंगे। मेरे साइड से बाल कट हैं तो मैं इस साइड में एक बॉबी पिन से सिक्योर कर दूंगी। अगर आपके आगे के बाल लंबे हैं तो आप उन बालों को ब्रेड में यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए बनके तैयार हो गई ये ब्रेड। अगर आपके भी बाल आगे से कट हैं तो आप ऐसे आगे पफ बना सकते हैं। सेकंड हेयर स्टाइल के लिए मैंने ऑलरेडी बालों को टैंगल फ्री करके रखा है और आगे से पफ बना के रखा है। अब हम एक साइड पोनीटेल बांध लेंगे। साइड पोनीटेल बांधने के बाद हम एक और बैंड बांध लेंगे। और उसी डिस्टेंस में नीचे एक और रबर बैंड लगा लेंगे। ध्यान रखें कि दोनों रबर सेम डिस्टेंस में हो। अब जैसा वीडियो में दिखाया गया है उस स्टाइल में आप इसको फोल्ड कर लीजिए।
नीचे वाले पोर्शन को भी फोल्ड कर लेंगे। अब इन दोनों पोर्शन को हाथ से अच्छे से सेट कर लेंगे और देखिए कितना प्यारा हेयर स्टाइल बन के तैयार हो गया। आप चाहें तो कलरफुल बैंड ना बांध के आप ब्लैक कलर का बैंड भी बांध सकते हैं और साइड से थोड़ा सा लट निकाल लीजिए तो और ज़्यादा प्यारी हेयर स्टाइल लगेगी। तीसरे हेयर स्टाइल के लिए बालों को टैंगल फ्री करके एक साइड पोनी बांध लेंगे। ध्यान रहे ये पोनी थोड़ा टाइट बांधेंगे। अब जैसा वीडियो में बताया है वैसे ही फॉलो कीजिए। नीचे एक रबड़ बांध लेंगे, ये जो नॉर्मल वाले रबड़ आते हैं वो बांधेंगे और सेम डिस्टेंस में एक और रबड़ नीचे बांध लेंगे। और सबसे नीचे किसी अच्छी क्वालिटी का रबड़ ले सकते हैं, हम चाहें तो सेम कलर के भी ले सकते हैं या कलरफुल यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे पहले फोल्ड किया था वैसे ही हमें फोल्ड करना है, जैसा वीडियो में बताया है वैसा ही फॉलो कीजिए। इसको भी फोल्ड कर लेंगे और ये तीसरा वाला सेक्शन है इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई, अब सीज़र की मदद से इसको हम कट कर लेंगे। ध्यान रहे बाल कट ना हो जाएं। अब नीचे वाले रबड़ को भी कट कर लेंगे। आप चाहें तो सबसे ऊपर वाले रबड़ को भी कट कर सकते हैं पर मुझे ऐसे ही ये हेयर स्टाइल पसंद आता है। देखिए कितना सिंपल और दिखने में कितना प्यारा हेयर स्टाइल है और बनाने में सिर्फ एक मिनट ही लगेगा। वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय।